तोड़ दूं। बीबी बची है थोड़ी सी सब्जी, ले लो बहन जी, बाद में मत कहना कि पड़ोस वाले भाई साहब ले गए। ले लीजिए मेम साहब, ले लीजिए, बहुत ही ताजी सब्जी है। बीबी है, उस अंडे का क्या करोगे? बीबी, बीबी, बीबी। जब तक बताओगे नहीं मैं नहीं लाऊंगा। अच्छा अच्छा, नौटंकी बंद करो, मैं लाता हूँ। पता नहीं इसे संडे में क्या दिख गया, अब इसका चार डाली का लगता है। यूबी क्या कर रहे हो? अरे यूबी, अंडा लेकर बिस्तर पे क्यों सो रहे हो? उफ़ो, ये तो सुनता ही नहीं। बी 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 यूबी, ये कहाँ से आया? बीबी, बीबी। अरे वाह, अंडे में से इतनी जल्दी चूजा निकल आया। कैसे हो प्यारे चूजे? मुझे काटा क्यों? बीबी। है यूबी, ये तो तुमने कमाल कर दिया। अब जैसे तुम्हारा नाम यूबी है, उसी तरह इसका भी कोई नाम रख दो। बीबी, बीबी, बीबी। यूबी, बिना सोचे समझे कुछ मत कहो, सोचकर अच्छा सा नाम दो। बीबी, 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 बीबी। लगता है इसे भी पीपी नाम पसंद आया। आजा, आजा। अरे, अरे कहाँ? इस पीपी को हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा यूबी। और याद रखना, ये पीपी इस घर में नहीं रह सकता है, समझे? मैंने सोच लिया है कि मेरे इस घर में तुम्हारा ये पीपी जो हर वक्त पीपी करता है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। पीपी? पीपी? ये कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता, बल्कि ऐसा होता रहता है। एक बार मेरा पड़ोसी एक दर्जन अंडे लेके घर जा रहा था, उसमें से एक अंडा छूटके एक डॉगी के पास गिर गया। फिर उसके बाद उसमें से एक चूजा निकला, वो सोते हुए डॉगी के ऊपर चढ़ गया। डॉगी ने उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए उस चूजे को उस डॉगी से लगाव हो गया और ये दोस्ती की कहानी पूरे मोहल्ले में छा गई। मुझ में और डॉगी में बहुत फर्क है, मैं इंसान हूँ और वो जानवर। एक रात में उसने मुझे इतना तंग कर दिया, अगर कहीं वो ज्यादा दिन तक रुक गया तब तो मुझे ही जानवरों के साथ रहना होगा। लेकिन यूबी उसे और तुम यूबी को कभी नहीं जाने दोगे। हाँ, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर तुम चाहो तो मैं पीपी को अपने पास रख सकती हूँ। हाँ सच में, फिर तो यूबी जब चाहेगा तुम्हारे घर आकर उसे मिल लेगा। पीपी? तुम्हारा पीपी जो हर वक्त पीपी करता है, वो इस घर में नहीं रह सकता। हाँ, बीबी, 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 पीपी? नहीं रह सकता, समझे? बीबी, 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 बीबी। बीबी,
चल भाग यहाँ से बिल्ले। बीबी, बीबी। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ? अरे ये क्या? अरे क्या कर रहा है ये? अरे ये तो मुझे पसंद करने लगा। बीबी। ताकिमी भी पीपी से मिलना चाहती है यूबी। सुना यूबी? बीबी। बोट की रेस करेगा मिचियो। बीबी। आगे पीछे आगे। अरे तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। याहू, ताकिमी मैं आ गया। ताकिमी मेरी बोट पर आके बैठो ना। यूबी के साथ खेलती हूँ फिर आती हूँ। वाह, ताकिमी मेरे साथ मेरे बोट पर बैठेगी। बीबी। हाँ यूबी, मैं तुम्हें भी साथ ले चलूंगी। ताकिमी ये देखो, मेरी बोट बहुत तेज चलती है। आ जाओ मेरी बोट में, आ जाओ, हम दोनों खूब सैर करेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे जाओ जाओ, किसी और के सामने ऐसी बड़ी बड़ी फेंको। ताकिमी और यूबी थोड़ी देर में मेरी बोट पर बैठेंगे। यूबी और मिचियो की तरह उनकी बोट भी खटारा है। खटारा तो तुम और तुम्हारी बोट है, समझे? मिचियो, आज तो एक रेस हो जाए, वो भी बोट की। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। ठीक है, मंजूर है। जो इस झील का गोल गोल चक्कर लगाकर सबसे पहले ताकिमी के पास वापस आएगा वो जीता। और याद रखना, ये रेस तुम्हारे और मेरे बीच में, यूबी यूबी कोई नहीं आ सकता बीच में। बीबी। ठीक है तातियो, हारने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मैं रेस के लिए जाऊं ताकिमी? हाँ बिल्कुल जाओ मिचियो। और मेरी तरफ से एक इनाम है, जो भी ये रेस जीतेगा मैं उसे ये सबसे प्यारी घड़ी दे दूंगी, बल्कि मैं उसे अपने हाथों से ये घड़ी पहनाऊंगी, ठीक है ना? ताकि मैं तुम्हारी ये घड़ी तो मैं ही लेकर जाऊंगा। ये तो सिर्फ सपने में हो सकता है। फंस जा मछली। मिची हो, हारने के डर से हालत तो नहीं खराब हो रही है ना? हालत मेरी नहीं, तुम्हारी खराब होगी। ताकि मैं, तुम रेस को स्टार्ट करने का सिग्नल दो। अच्छा ठीक है, 1, 2, 3, go। तो तुझे जीतने नहीं दूंगा, ये जीत सिर्फ मेरी है। और ताकिमी की घड़ी तो मेरे ही हाथ लगने वाली है। मिचियो, तू जानता नहीं है, मुझसे टकराने का अंजाम बहुत बुरा होता है। अब देखना मेरा कमाल। चलो मेरे कांटेदार खिलाड़ी, निकाल दो मिचियो की बोट की हवा सारी। हाँ, वाह तातियो तो बहुत ही तेज जा रहा है। बाय बाय मिचियो। यूबी, मुझे तो लगता है आज तातियो ही इस प्यारी घड़ी को जीतेगा। अरे और तेज। ये क्या? अरे देखो तो मिचियो कितना तेज चला रहा है। लगता है ये सब यूबी का कमाल है। अरे यूबी देखो तो मिचियो ने कमाल कर दिया। घड़ी गिर गई। अरे ये तो बहुत बुरी बात हो गई। हाँ, मेरी प्यारी घड़ी पानी में गिर गई। घड़ी पानी में गिर गई। वैसे भी तुम उस घड़ी के लायक ही नहीं थे। वो घड़ी तो सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। मुझे लगता है तातियो तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। हे पागल मैं नहीं, तुम हो। जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं घड़ी निकालूंगा। कैसे? बाहर आ जाओ मेरे कांटेदार खिलाड़ियों।
अरे ये क्या है? पता नहीं ताकिमी, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अब ये सारे खिलाड़ी ढेर सारा मैग्नेट लेके नीचे जाएंगे और ताकिमी की घड़ी जिस किसी कोने में पड़ी होगी ये उसे 2 मिनट में लपेट कर अपने साथ ले आएंगे। अब तुम कबाड़ की दुकान खोल सकते हो। मैग्नेट से हमेशा लोहे की चीज चिपकती है, प्लास्टिक की नहीं, और मेरी घड़ी तो पूरी प्लास्टिक की है। मैं तो गया काम से। ये तो नहीं था। कहाँ है, कहाँ है? बी 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 बी। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने वाला। क्या तुम सच में मेरी घड़ी के लिए पानी के अंदर जाओगे? पानी तो क्या, तुम्हारी घड़ी के लिए मैं चांद पर भी चला जाऊंगा। मैं यू गया यू आया। देखो यू भी, आज तो मेरी घड़ी कोई ना कोई वापस ले ही आएगा। बीबी चलो हम थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कहीं जोश में मैंने गलती तो नहीं कर दी? वो घड़ी कहाँ है, कहाँ? अरे बच्चे को डराते हो, अच्छी बात नहीं है। यहाँ भी नहीं है, कहाँ होगी वो घड़ी? फंस गए, फंस गए, लगता है बड़ी वाली मछली फंस गई है। ये कौन कर रहा है, कौन खींच रहा है मुझे ऊपर? फंस गए, फंस गए, लगता है वेल है। तुम पानी में क्या कर रहे हो, खजाना ढूंढ रहे हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? अरे अरे वाह, मुझे तो घड़ी मिल गई। मुझे ताकिमी की घड़ी दिखाई दे रही है। अच्छा अच्छा, अरे ये क्या हो रहा है? अरे ओफो, अच्छा तो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक कैसी लग रही है यूबी? बीबी 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 बीबी, तुम्हें मिर्चियों की याद आ रही है? बीबी 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 बीबी, तो फिर क्या बात है? बीबी बीबी पापा 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 पापा, बीबी बीबी बीबी, ये कहाँ जा रहा है? अरे वाह, यूबी ने तो मुझे इस बुलबुले में डाल दिया। अब मैं घड़ी लेकर ही लौटूंगा और उसे 1 महीने तक अपने हाथ में बांधूंगा। ये घड़ी के चक्कर में मैं किस मुसीबत में पड़ गया, बहुत थक गया, थोड़ा सो लेता हूँ। इसकी तो सारी बहादुरी निकल गई। बचाओ, ये मछली मुझे खा जाएगी। बीबी 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 म्याऊ 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 म्याऊ। ये क्या हुआ? मुझे माफ कर दो। पता नहीं यूपी क्या कर रहा है। मैं सोच कर रहा हूँ, उस मछली की शक्ल बिल्कुल मिर्चियो की जैसी थी। मिर्चियो तुम्हारी कोई जुड़वा मछली भी है क्या? चलो अब बहाने बनाना बंद करो। मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, चाहो तो तुम भी जाकर देख लो। फंस गए, बड़ी वाली मछली फंसी है, कोई आओ मेरी मदद करो, बड़ा मजा आएगा, बहुत बड़ी मछली है। अरे वाह, तो ये घर खाली हाथ नहीं जाएगा। अरे वाह, ताकिमी की घड़ी। मेरे पानी में जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो मेरी घड़ी है। कहाँ मछली कहाँ है?
शुक्रिया दाई बुत्सू, तुम्हारी वजह से मेरी घड़ी सही सलामत वापस आ गई। अब तुम इसे एक महीने के लिए अपने पास रख सकते हो। ये लो। मेरी तो लॉटरी लग गई। तुम दोनों रोज झगड़ा करो, बड़ा मजा आएगा। मेरी तो लॉटरी लग गई। इससे मेरा फायदा होगा। मेहनत हमारी, इनाम इसका। बीबी 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 करेंगे पापा बीबी। हाँ ठीक है, आप बेटा नहीं सकते कि पापा से कभी वो दिखाता। अभी आप नहीं हो, धीरे पैर दौड़ते दौड़ते मानूंगा नहीं। फिर भी जाओ, रुक जाओ, रुक। तातियों, कल सुबह मैं और दाई बुत्सू मेरे पापा की गाड़ी में झिंगालाला जाने वाले हैं। अगर तुम्हारा भी मन करे तो पैदल वहाँ पहुँच जाना। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे गुस्सा आ रहा है, पर ये तातियों मेरे साथ हमेशा ऐसा करता है। पापा आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए या नहीं, या हमेशा ऑफिस ही जाते रहते हैं? देखो ये लॉन्ग ड्राइव का लाइसेंस मेरा। अरे वाह पापा, आप तो छुपे रुस्तम निकले। होता है तो इसलिए पापा पापा और बेटा बेटा। तब तो हम लोग भी कल झिंगालाला की ड्राइव पे जाएंगे। आऊंगा मैं लेके आज ही किराए की गाड़ी, एक चलेंगे फिर झिंगालाला कल सुबह सुबह। लेकिन अभी अपनी रेस खत्म नहीं हुई है पापा। जीतूंगा ये भी। सॉरी माई खंबा जी। पापा ये गाड़ी झिंगालाला तक पहुँचेगी ना? टनाटन है एकदम गाड़ी, ये पहुँचे भले ही हम न चाहे, जरूर पहुँच जाएगी लाला झिंगा। अरे वाह पापा, आज तो आपने बाजी मार ली। यूबी जरा तुम गाड़ी को देख लो। हाँ बस बस बंद करो कूदना पे गाड़ी। मम्मी कल हम गाड़ी से झिंगालाला जाएंगे। नहीं बेटा, फिर कभी चलूंगी। क्या बहाना बनाऊं, मैं बहुत थक गई हूँ ना, आराम करूंगी। देखा कैसे जबरदस्त चलाते हैं पापा मिचियो। थोड़ी और धीरे चलाएंगे तो यूबी भी आगे निकल जाएगा। गाड़ी की यूबी से तो आगे जाऊंगा मिनट में दो। दिया गियर लगा दो। पापा आगे रेड सिग्नल होने वाला है। जा रुक। पापा आप तो कमाल के ड्राइवर हैं। यू थैंक बेटा। जा कहाँ ये? पापा मैं आगे जाना है। क्या कर रहे हो, आगे जाना है, पीछे क्यों ले रहे हो? पापा भी तो गड़बड़ हो जाती। बेटा हेयर स्टाइल ये मेरी, होता है खिलाड़ी अनाड़ी। यूपी शोर क्यों कर रहे हो? पापा आगे देखिए। क्या कहाँ से आ मोल अंधा। पापा हम तो ट्रक के ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन रहे थे जा लाला झिंगा, गए पहुंच ट्रक पे कहां से आए? सामने से रहेंगे, सब लोग सिर झुका लो वरना गए। गई कहां? छत। लगता है हम लोग बच गए। ये है गियर कौन सा? वाह सकता उड़ा तो हेलीकॉप्टर भी मैं। अरे पापा अब क्या होगा? है क्या होना, जाएंगे लाला झिंगा वापस घर फिर उसके बाद। यूपी पापा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे, अब तुम ही कुछ करो। यस जा चढ़ चढ़ाई फिर करेंगे उतराई। अरे वाह ये सड़क तो मक्खन जैसी है। काश ब्रेड लाए होते साथ, आ रहा है मजा बिन छत के हवा हवा। अरे तातियो, ओए मीचियो, इतनी बढ़िया खटारा गाड़ी कहाँ से लाए तुम? तातियो तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी खटारा इतनी भागती है क्या? पापा प्लीज गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए ना। बेटा सकते हैं तेज भाग हम गाड़ी है नहीं। पापा ऐसे ही चलाते रहे।
ये क्या, ये कौन सा गेंद लगा दिया? भाई यूबी, ये तो कमाल कर दिया। क्या रहे हो खुश तुम फुसा? करवाने में ठीक गाड़ी जाएंगे बहुत पैसे। इसे क्यों ठीक कराना है मीचियो के पापा, ये कितनी अच्छी लग रही है। पापा अगर आपने गाड़ी ठीक से चलाई होती तो उसे कुछ नहीं होता। क्या हुआ यूबी? मीचियो के पापा, यूबी ने तो कमाल कर दिया। कैसे गई बनिए खटारा से गाड़ी टनाटन? यूबी, इस गाड़ी को चलाने के लिए तुम्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। बीच पे घूमेंगे और मजे करेंगे। मेरे चाचा के ताऊ के भतीजे के पापा की दादी की मम्मी के सबसे बड़े वाले बेटे का बनाया हुआ है ये म्यूजियम। और पता है अंकल जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि तातियो, ये पूरा म्यूजियम तुम्हारा ही है, जिसे चाहे ला सकते हो। अरे वाह तातियो, ये कितनी अच्छी बात है। पर मैंने अंकल को कहा कि मैं अपने दो चार दोस्त को ही लाऊंगा। तुम तो बहुत अच्छे हो तातियो। ओए नीचे उतरो, ये कोई झूला नहीं है। यूबी नीचे उतरो, उतरो नीचे जल्दी। नीचे अगर ये टूट जाता तो इसकी भरपाई कौन करता? देखो कैसे समुंदर निकल रहे अपनी आँखों से। चुप हो जाओ तातियो। यूबी, क्या तुम मेरे साथ रेत रेत खेलोगे? ताकि मैं, चलो जल्दी से तैरते हैं। यूबी मजे करना। वाह, लग रहा है जैसा मैं आधा जमीन के अंदर हूँ और आधा बाहर। डरो मत, आ जाओ ताकिमी। मुझे डर लग रहा है। मैं किस लिए हूँ ताकिमी? ताकिमी गई। ताकिमी, तातियो रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। यहाँ से कुछ ले लेता हूँ ताकि मेरे को खुश करने के लिए। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ये मीचू यहाँ कहाँ से आ गया? इसका कुछ करना पड़ेगा। अपना काम तो हो गया। ताकिमी, मैंने बहुत अच्छी मछली देखी है, चलो ना देखते हैं उसे। चलो देखते हैं। अब उसे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रुको रुको। अब आएगा मजा। मेरी पैंट खा गई। ये तो फट गई है। बीबी बीबी यूबी, पहले इसे तोड़ दो फिर खाएंगे। नहीं नहीं, वहाँ मत जाना, मछली खा जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ही मछली बन जाता हूँ। वाह, ये कितने खूबसूरत है ना। मैं इन्हें घर ले जाके इनको सजा के रखूंगी। मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा। अच्छा है ना? मैं ये वाला यूबी को देकर आती हूँ, तुम यहीं रुकना ठीक है? हाँ हाँ, दे आओ दे आओ, मैं बहुत बड़े दिल वाला हूँ। मीचियो की पैंट फाड़ने में तो आज बड़ा मजा आया। रुक जाओ यूबी, ये क्या कर रहे हो? वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा हो सकता है। मेरी बात मानो, मत जाओ, रुको। पानी बहुत ठंडा है, भागो यहाँ से। रुको यूबी, रुको। यूबी प्लीज मेरी मदद करो, तातियों ने मेरी पैंट फाड़ दी है।
मेरे और ताकिमी के बीच में आने की कोशिश मत करना। अभी तो सिर्फ पैंट फाड़ी है, अगली बार इससे भी बुरा हाल करूँगा। क्यों मजा आया ना मिर्चियों? हाँ, ये क्या? अरे अब ये कहाँ से आ गई? क्यों भी? आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। वाह यूबी, क्या बात है! बी 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 बी। बचाओ तातियो, ये तो लेते जाओ। बी 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 बी। यूबी को ये मछली बहुत पसंद आई, काश हम इसे घर ले जा सकते। हाँ ये अच्छी है, पर तातियो को अपने अंकल से बात करनी पड़ेगी। पर वो है कहाँ? हाँ? अरे ये तो तातियो है। बी बी मिचो करेगा टेस्ट की तैयारी। बी 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 बी। टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, कितने टेस्ट लेंगे? टेस्ट की क्या बात कर रहे हो, तुम्हें तो हर टाइम जीरो ही मिलता है ना। अच्छे से पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे अच्छे से पढ़ाई करूं? यू भी मुझे पढ़ने कहाँ देता है, सारा दिन खेलता ही रहता है, शोर मचाता है, कैसे रोकूंगा मैं उसे? यू भी का बहाना मत बनाओ, पढ़ना है तो कैसे भी पढ़ सकते हैं। इस बार मैं ही फर्स्ट आऊंगा। मिचियो क्यों ना तुम मेरे घर आके टेस्ट की तैयारी करो। हाँ ताकि मैं, तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ मिचियो, तुम मेरे घर आओ ना, हम साथ में पढ़ेंगे। ताकि मैं, मुझे भी तुम्हारे साथ पढ़ाई करनी है। मुझे भी पीछे नहीं रहना। ठीक है तुम भी आ जाना। लेकिन तातियो तुम तो फर्स्ट आने वाले थे ना। हाँ फर्स्ट तो मैं आने ही वाला था, लेकिन मुझे ताकिमी की मदद चाहिए क्योंकि मैं सबसे फर्स्ट आना चाहता हूँ, सुपर फर्स्ट। ये मैं करके रहूँगा। हाँ मैं भी वही करूँगा। तातियो मेरी हर बात पर टांग अड़ाता रहता है। ताकिमी के साथ मैं पढ़ने वाला था, अब वो भी आ गया। हेलो, मैं मिचियो की मम्मी बोल रही हूँ, कौन बोल रहा है? हाँ मिचियो टेस्ट के बहाने ताकिमी के साथ खेलने जा रहा है। हाँ आंटी, मैं जो भी कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ। आपको बताना तो मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने कह दिया। फिर कहना मत कि मैंने बताया नहीं। नहीं नहीं बेटा, तुमसे तो मैं सिर्फ थैंक्स कहूँगी। मिचियो का पता कट गया, अब मैं ताकिमी के साथ पढ़ाई करूँगा। आने दो, मिचियो को देखती हूँ। मैं क्या मम्मी? मम्मी मैं ताकिमी के यहाँ टेस्ट की तैयारी करने जा रहा हूँ। मिचियो तुम कहीं नहीं जाओगे, घर पर रहकर ही तैयारी करो। ये अचानक मम्मी को क्या हो गया? मम्मी भी ना जब देखो गुस्सा करती रहती है। अब तातियो ताकिमी के साथ पढ़ाई का नाटक कर रहा होगा। टेस्ट की तैयारी अच्छे से करो, इस बार तुम्हारे ज्यादा नंबर आने चाहिए, वरना खेलना बंद। ठीक है यूबी बेटा, मिचियो पे कड़ी नजर रखना। मिचियो खाना खाकर टाइम पे सो जाना, समझे? अच्छा ये भी काम बन गया। बीबी हाँ क्या है मम्मी? अभी आया, अभी भूख नहीं है, बस थोड़ी देर और। मम्मी प्लीज परेशान मत कीजिए। लो हो गया काम। यूबी तुम्हें इस टेप को सही वक्त पर चालू और बंद करना है, मम्मी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, बस जब वो मुझे पुकारे इसे चालू कर देना। बी 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 बी। मम्मी मुझे भूख नहीं है, बस थोड़ी देर और। याहू जीत हमारी है। बी 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 बी। मिचियो तुम चलो शीघ्र, मैं बाल बाल बचा। लगता है काला बिल्ला आया होगा। ताकि
बच्चियों भूख लगी है क्या? मुझे भूख नहीं है। अभी परेशान मत करो, थोड़ी देर और। अभी भूख नहीं है, परेशान मत करो। देखो मिचियो, जब 80 में से 60 निकलते हैं तो 20 बचते हैं। मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तातिया सुनो तो। क्या हुआ तुम्हें? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तुम अपना काम क्यों नहीं करते दाई बुच्चू? तुम्हें समझाना ही तो मेरा काम है। ऐसा क्या? तो ये लो, ये। मिचियो। क्या है मम्मी? अब तो खाना खाना ही पड़ेगा, चलो आ जाओ। मम्मी परेशान मत करो। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात? मिचियो कहाँ गया? टॉयलेट गया है? अरे कहीं पढ़ते पढ़ते इस लड़के का पेट तो नहीं खराब हो गया? अब तो इसे दवा पिलानी पड़ेगी। चलो मिचियो आके दवा खा लो। काकी मैं ये देखो सही है कि नहीं? अरे मिचियो कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ गया वो, तुम अपनी पढ़ाई करो। चलो मिचियो चल के दवाई खा लो। मिचियो, मिचियो तुम तो बहुत ही खतरनाक पढ़ाकू होते जा रहे हो, बेटा हो तो ऐसा। हाँ मम्मी मैं बहुत पढ़ाकू हूँ। तुमसे एक छोटी चीज नहीं संभाली गई यूबी और मुझे यहाँ बुला लिया। अब उछलना बंद करो और मुझे ताकिमी के पास भेजो, जरा जल्दी करो। पता नहीं मिचियो कब आएगा। ना आए तो बहुत अच्छा है। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ताकि मैं इस सवाल का जवाब बताओ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा? मिचियो अब कैसी तबीयत है बेटा? मिचियो बेटा बोलते क्यों नहीं? मिचियो कहाँ हो तुम, अंदर हो कि नहीं? हाँ? बेटा मिचियो, यूबी कहाँ है? वो यूबी को बताना था कि आज टीवी पर कीड़े को चैन का प्रोग्राम आने वाला है। कहाँ है वो? मिचियो क्या कर रहे हो, जल्दी बाहर आओ। मिचियो तुमने सुना नहीं, अभी के अभी बाहर आओ। मिचियो तुम मुझे परेशान कर रहे हो, बाहर आते हो कि नहीं? समझ में आया? मुझे मत सिखाओ, समझे? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बस अभी आया ताकि भी। तुम नहीं भी आओगे तो भी चलेगा। चलो यूबी मुझे जल्दी से बुला लो। मिचियो डॉक्टर को बुलाऊं क्या? हाँ मम्मी, अब तो मेरा पेट भी हल्का हो गया। बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए टेप नहीं चल रहा था, घबराने की बात नहीं थी। अब मैं क्या करूं कि मम्मी को शक ना हो और मैं पकड़ा ना जाऊं? हाँ आइडिया लग रहा है ना, बिल्कुल मेरे जैसा। बीपी, बीपी, बीपी। ध्यान रखना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बीपी। बीपी। मिचियो सुबह हो गई बेटा। यूबी कब से सो रहा है ये? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। वाह मेरा बेटा इतना पढ़ाकू है, ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मम्मी परेशान मत कीजिए, मम्मी परेशान मत कीजिए, मुझे भूख नहीं है, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मम्मी परेशान मत कीजिए, हाथ नीचे करो वरना थक जाओगे। चलो मिचियो बहुत हो गया, अब उठ भी जाओ, पानी लाई हो मुंह धो लो। उठो बेटा मिचियो। हटो यूबी, हटो यूबी बेटा, ये क्या कर रहे हो? ऐसे परेशान मत करो बेटा। उधर तो कोई भी नहीं है। अरे ये मिचियो कहाँ चला गया? टॉयलेट तो नहीं चला गया? अब की बार तो दवाई खिला कर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मिचियो को। मिचियो, मिचियो बाहर निकलो, बाहर निकलो मिचियो बेटा, बाहर आओ। मैं तो थक गया ताकिमी, अगर भूख लगे तो मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है तो जल्दी से बताओ मेरे हाथ का बना केक कौन कौन खाएगा? हम खाएंगे। तुम लोग रुको, मैं बस अभी आई। आज तो ताकिमी के केक की इतनी तारीफ करूंगा कि वो भी खुश हो जाएगी।
सुनो, तुम में से कोई केक नहीं खाएगा। ये तुम्हारा केक है क्या? या तुम्हारे घर का? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। जब तक मैं ताकिनी का केक नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बीबी, 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 बाहर आ जाओ नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगी। मम्मी मैं आ रहा हूँ ना, प्लीज परेशान मत कीजिए। अभी भी पेट खराब है क्या तुम्हारा? अभी अभी मिर्चियों, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? बीबी बीबी बीबी, ये रहा केक। वाह, टूट पड़ा। बीबी बीबी बीबी, मजा आ गया। मिर्चियों, ये क्या हो गया तुम्हें? अरे ऐसा टेस्ट किस काम का जो बच्चे की हालत खराब कर दे। हाँ चलो बेटा, अब आराम से सो जाओ, पढ़ाई मैं कर लूंगी, खाना भी मैं खा लूंगी। मम्मी, ना ताकिनी के घर में केक मिला, ना मुझे मेरे घर पर खाना मिलेगा, लगता है आज भूखा रहना पड़ेगा। बी 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 बी। लो फिर से आ गया आप सबका प्यारा दोस्त यूपी बी बी। अब तक आपने देखा मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ। कहाँ से आए हो पायलट अंकल? उसके बाद यूबी मेरे घर आ गया और मैंने उसके साथ खूब मजे किए। अब देखिए आगे। यूबी यूबी, हाँ यूबी बीबी बीबी यूबी। सबकी बजा दूंगा, बैंड बैंड बजा दूंगा सबकी, जो मेरा कहना मानेगा नहीं, नहीं मेरा कहना मानेगा। बज गई बैंड, कौन है? बीबी बीबी बीबी। ये किसको ले आए मिर्चियो, लाए किसको? बीबी बीबी। पापा ये मेरा दोस्त है, आ जाओ, ये दूसरे प्लैनेट से आया है, बहुत ही मजेदार करतब दिखाता है। अच्छा चालू, सुबह सुबह बकवास, दिमाग मत करो मेरा खराब। मैं बकवास नहीं कर रहा पापा। अच्छा यूबी चलो पापा को उड़ के दिखाओ, तभी वो मानेंगे। उड़ के दिखाओ यूबी, उड़ के दिखाओ यूबी। यूबी उड़ो, ऐसे ऐसे उड़ो। ये तो गिर गया, गिर गया, ये क्या उड़ेगा ये? अरे अरे अरे, क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, कैसे गिर गए तुम? कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या पता है तुम्हें कौन है ये? अरे ये मेरा छोटू है, राज दुलारा है, सबसे प्यारा है, इसका नाम यूबी है। इसको भगाओ, भगाओ इसको, सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी, खराब कर दी नींद मेरी, भगाओ इसे। मैं जॉगिंग करने जा रहा हूँ, लौट के आने पर ना दिखाइए। अरे यूबी मेरा बेटा, कहाँ तू गया था? चला अरे लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, कटोरी की दूध लल्ला। वाह, लगता है यूबी ने पापा पर भी अपना जादू चला दिया है, अब तो बहुत मजा आएगा। बाय बाय। मिर्चियो रुको, ये मिर्चियो आजकल कितनी जल्दी में रहता है, आजकल तो ये हमारे साथ घर भी नहीं जाता। तुम्हारे साथ हम चलेंगे ताकिनी। मम्मी मैं आ गया। हाय। जानते हो यूबी आज घर का सारा दूध पी गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सच में तुमने ऐसा किया यूबी? बीबी बीबी। मिर्चियो इसे जरा बाहर घुमा लाओ, तब तक मैं घर का काम कर लेती हूँ। मम्मी पापा, पापा, अरे देखो वो बच्चा दूसरे बच्चे को पापा कह रहा है। यूबी ये क्या कर रहे हो, मुझे पापा पापा कहना बंद करो, सब लोग देख रहे हैं। मिर्चियो। हाँ ताकिमी। अरे ये तुम्हारे साथ कौन है? ओ, ये कितना क्यूट है। इसका चेहरा तो बड़ा अजीब है। हाँ इसका चेहरा अजीब होने के साथ साथ इसका चश्मा भी अजीब है। सही कहा। लेकिन जो भी हो ये तो बहुत ही प्यारा है।
तुम्हारा नाम क्या है? यूपी। क्या बकवास नाम है? लेकिन मुझे तो तुम्हारा नाम बहुत पसंद आया यूबी। मिची, ये तुम्हारा क्या लगता है? मिची अब से पापा बन गया। पापा, पापा। इतना हंसो मत। अरे क्या हुआ? हाँ? अरे रुक, मैं ठीक करता हूँ। ये जरूर यूबी ने किया होगा। दूसरों का मजाक उड़ाते हैं तो ऐसा ही हाल होता है। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त, ये अचानक क्या हो गया था मेरे साथ? चलो हम इसे माफी मांगो, ये लो। अरे देखो ये कितना प्यारा है ना। गाल मत नोचो वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। बीबी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, चुप हो जाओ यूबी, मुझसे गलती हो गई। इसने तो मुझे गीला कर दिया। इसके आंसुओं की वजह से तुम गीले हो गए। मिचियो, क्या मैं कभी कभी यूबी से मिलने तुम्हारे घर आ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जब चाहो आ जाओ। अच्छा यूबी, मैं अपना होमवर्क करने जा रहा हूँ, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? यूबी, बीबी, यूबी, अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। यूबी, तुम तो सच में बहुत मजेदार हो। अरे बच्चों, आज तुम सब यहाँ कैसे? हम खेलने आए हैं आंटी। अरे वाह, यूबी ने तो इसे कितनी आसानी से कर दिया। तो क्या हुआ, ये तो कोई भी कर सकता है। यूबी हवा में उड़ सकता है, तुम लोग उड़ सकते हो क्या? हाँ ताकिमी, चलो यूबी दिखा दो इन सबको अपना कमाल। बीबी सोच क्या रहे हो, चलो उड़ो ना यूबी। 1 2 3 उड़ो बीबी। यूबी क्या हुआ, ये तो गिर गया। अब हम चलेंगे मिच्चो के स्कूल। बीबी देखो बच्चों, पहले हम एक लंबी लाइन खींचते ऐसे। ये क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम सो रहे हो। घंटी बज गई। तुम सबके लिए होमवर्क। होमवर्क नहीं किया तो छोड़ूंगा नहीं। इतना सारा होमवर्क दे दिया है, समझ में नहीं आ रहा कैसे पूरा करूँगा। मिचियो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो सारा होमवर्क यू कर दूंगा। हाँ होशियार बच्चे होमवर्क चुटकियों में ही करते हैं, मेरी तरह। कितने मतलबी हैं ये दोनों, कैसे दोस्त हैं, मेरा होमवर्क करने में मेरी मदद भी नहीं कर रहे हैं। मम्मी मैं आ गया। अरे वाह, इतना प्यारा झूला। ये तुम्हारा ही झूला है मिचियो बेटा, जब तुम छोटे थे तो इसी में सोते थे, अब ये यूबी का हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी। आखिर मम्मी किसकी हूँ, मैंने सोचा कब तक ये अलमारी में सोता रहेगा, इसका भी तो अपना बिस्तर होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये झूला इसे दे दिया। चलो अब जल्दी से फ्रेश होकर डिनर करने आ जाओ। वाह यूबी मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें तो एकदम मस्त मजेदार झूला मिल गया, पर अब तो तुम हमेशा इसी में सोते रहोगे, मेरे साथ खेलोगे ही नहीं। यूबी मेरे साथ खेलोगे ना? ओ, मेरे प्यारे यूबी, यूबी प्लीज मेरे बाल मत खींचो, दर्द होता है। ओ, ओ, यूबी ऐसा भी मत करो ना, ये सब मत करो यूबी। नहीं ये तो नाराज हो गया, अब क्या करूं? बीबी, बीबी,
ओह यूबी, मुझे पता था तुम मजाक कर रहे हो। मेरी बाइक है सस्ती, जिस पे करता हूँ मैं मस्ती। ये एक तरफ से पक चुका है, अब हम इसे दूसरी तरफ से पकाएंगे। यूबी प्लीज टीवी ऑन मत करना, मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। बीबी बीबी बीबी, अगर मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया तो सर मुझे सजा देंगे और मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। बीबी बीबी, अच्छा अब मेरी बात सुनो यूबी, मैं होमवर्क को लेके बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। बीबी बीबी बी 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 बी। हाँ ये तो ताकेमी है, ये तो बड़ी तेजी से अपना होमवर्क पूरा कर रही है। वाह मजा आ जाएगा, मैं जल्दी जल्दी इसमें से कॉपी कर लेता हूँ। थैंक यू यूबी। चलो ये तो हो गया, अब मैं खाना खा के आराम से सो सकती हूँ। इसका होमवर्क तो पूरा हो गया, अब मैं क्या करूं? बीबी यूबी चुप हो जाओ, इधर मैं परेशान हूँ और तुम घटाघट दूध पीते जा रहे हो। बीबी यूबी कहाँ जा रहे हो? बीबी 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 अरे वाह ताकेमी की नोटबुक मिल गई, अब तो मजा आ गया, मैं सारा होमवर्क खत्म कर दूंगा। यूबी जल्दी उठो, सो मत, उठो उठो। ताकेमी की नोटबुक जल्दी से उसके बैग में वापस पहुंचा दो, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। बीबी बीबी बीबी, ये क्या, उसकी बालकनी का दरवाजा बंद है, अब ये नोटबुक वापस कैसे पहुंचाएंगे? बीबी हाँ बीबी बीबी। दाल 90 रुपए किलो, हाँ चावल 40 रुपए किलो। वाह ये तो उड़ने लगा यूबी, संभल के यूबी कहीं नोटबुक्स गिर ना जाए। वाह ये तो बिल्कुल हवाई जहाज जैसा लग रहा है। हाँ वो रहा ताकेमी का घर। वैसे ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है यूबी, ये छोटी मोटी चीजें तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। ये क्या कर रहे हो यूबी, मैं तो मजाक कर रहा था। बड़े भैया तुम दोनों जल्दी से मेरे पास आ जाओ। इसमें तो बिल्कुल कुंग फू मास्टर लग रहे हो, एकदम ढिंचैक। मैं हूँ ही बहुत बड़ा कुंग फू मास्टर, सब आता है मुझे। यूबी मम्मी मार्केट गई है और मैं कुंग फू क्लास जा रहा हूँ। बीबी 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 बीबी
हे, ये डंडा मुझे दो, सबसे पहले मैं करके दिखाऊंगा। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? अरे देखो छोड़ो, वरना एक एक डंडा तुम दोनों को मारूंगा तुझे। छोड़ो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? गोल गोल क्यों घुमा रहे हो मुझे? मैं कहता हूँ बीबी, बीबी, बीबी। हैया, एक दो तीन चार, नहीं होगी तेरी नैया पाँच। हैया, हैया, हैया। बड़े आए थे कुंग फू करने वाले, इतना आसान नहीं है कुंग फू करना, बड़े बड़ों का पसीना छूट जाता है, समझे? नीचियो, मैं मूली लेकर आ गई। अरे मम्मी, आप क्या कर रही हैं? आपको चोट तो नहीं लगी ना? मिर्चियों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इन दोनों को कुंफू करता देख मैं खुद को रोक नहीं पाई और मूली लेकर कूद पड़ी। ए, दो छोटे बदमाशों, मेरा पीछा कर रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो कान पकड़ के उल्टा लटका दूंगा, समझे? तुम दोनों को मेरी बात समझ में आई या नहीं? मास्टर जी, मैं आ गया। एक दो, एक दो। कम से कम 100 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है आप सबको। दो, एक दो, एक दो, एक दो। यूबी, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है। बीबी, बीबी। थोड़ी देर बाद तुम लोग तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक दो, ध्यान रहे किसी को चोट ना लगे। एक दो, बीबी। एक दो, बीबी। आ जाओ यूबी, देखते हैं कि ये क्या है, बहुत अजीब है। बीबी, बीबी। 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 मिर्चियो, तुमने मेरे हाथ पे क्यों मारा? तुम्हारी वजह से तलवार गिर गई, अब उसे उठाओ। अरे डाके में, रुक जाओ, क्या कर रही हो? थोड़ा आराम से डाके में। रुक जाओ। अरे कौन है? ये क्या? कौन है? कौन हो तुम? अरे ये तो कोई खतरनाक समुराई लगता है। ये चाहे जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब तो ये गया काम से। अच्छे से खेलना, हारना मत। ये क्या हो रहा है? ये बार बार गिर क्यों रहा है? मैं अभी इसकी अक्कल ठिकाने लगाता हूँ। हट जाओ, ये मेरा शिकार है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसने तो मुझे नानी याद दिला दी। संभाल के, माफ कर दो अंकल, आप मेरे दादाजी हो। मुझे लगता है कि इसे हराने के लिए मुझे ही कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। ए, इधर देख, अगर तुझ में थोड़ी सी भी हिम्मत है ना, तो मुझे हरा के दिखा। तलवार उठा, उठा दे तलवार। ओहो, उठा दे क्यों नहीं? आज तो तुम्हें किसी भी तरह जीतना होगा। ये भी कोई कहने की बात है, जीत तो मेरी ही होगी। उठा ना तलवार, चला इस मोटे पे। क्या हुआ? तुम तो गए काम से। नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या? उसको गिराना है, तुम खुद क्यों गिर रहे हो घोंचू? गलती से मैं गिर गया, इसीलिए तुम बच गए। अब देखो मेरा असली कमाल, तैयार हो जाओ, हार जाओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बी, 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 बी। पता नहीं ये यूबी क्या कर रहा है। मेरी तलवार चल नहीं रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मिर्चियो, कुछ करो ना। मुझे तो इसके लड़ने का तरीका जाना पहचाना सा लग रहा है, कहीं ये यूबी तो नहीं? मैं भूखा हूँ, चल के टोस्ट खाते हैं। मिर्चियो, अब लड़ने की तुम्हारी बारी है। मैं कैसे लड़ सकता हूँ इससे? लड़ना तो पड़ेगा ही।
आजा आजा, मैं कुंग फू का राजा बजा दूंगा तेरा बाजा। डर के भाग गया लगता है, कोई नहीं जीत सकता मुझसे। देखा था केमी, वो तो लड़ने से पहले ही मुझसे डर के भाग गया। कुंग फू का कारा सिंह हूँ मैं। प्लीज मुझे बचा लो ताकेमी, मैं तुम्हें कुंग फू का कारा सिंह बना दूंगा। मुझे कारा सिंह नहीं बनना है। चलो आ जाओ, आज तो मैं तुमसे जरूर जीतूंगी। ओ यूबी, संभल के वरना मैं गिर जाऊंगा। हाँ देखो मिचियो, ये तो अपने आप ही डर के नीचे गिर गया। मुझे तो पता था ये कमजोर। इतनी जोर से मार दिया। ताकेमी, अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। काश इस वक्त मेरे साथ यूबी होता तो मैं इसे धूल चटा देता। इससे मुझ में ताकत आ जाए कि मैं ताकेमी की चोट का बदला ले सकूं। जहाँ हो वहीं रुक जाओ वरना बहुत बुरा होगा। देखो यूबी, अब तो मिचियो की पिटाई होगी। बीबी बीबी बीबी। याहू, हो जा उड़न छू। रुक जा, अभी बताता हूँ। बीबी 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 बीबी। ये सर तो घूमने चला गया। मैं पहचान गया, इसके अंदर यूबी ही है। तुम ही ये सब कर रहे हो ना यूबी। चलो बाहर निकलो, बहुत हो गया, बाहर आओ। अभी बताता हूँ, ऐसे नहीं मानेगा ये। यूबी बाहर निकलो, तुमने ताकेमी को इतनी जोर से मारा, वो अब तक रो रही है। यूबी कुछ करो वरना पोल खुल जाएगी। बीबी 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 बीबी। मैंने कहा बाहर आ जाओ यूबी। बीबी बीबी बीबी। उस पे क्यों चढ़े हो, वो क्या घोड़ा है? तुम लोग यहाँ पर हो तो उसके अंदर कौन है? हमें क्या पता। बीबी अरे इसका मतलब इसके अंदर सचमुच कोई और है। बीबी बीबी बीबी। बीबी चुपके से खिसक लेता हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे कारा सिंह नहीं बनना है। ये तो मिचियो की आवाज है। मुझे खाना खाना है, डंडे नहीं। हे, 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 हे